ये प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे इस प्रकृति पर जितने भी सजीव वस्तुएं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो इसी माँ का देन है, जो इसी माँ ने ही ये इस प्रकृति में ये सब कुछ इनकी ही कृपा से बनी है। माँ का अर्थ क्या होता है? माँ का अर्थ होता है जो माँ कहते ही मुंह खुल जाता है। माँ माँ शब्द का उच्चारण करते ही मुंह खुल जाता है। अब बाप कहिए तो मुंह बंद हो जाता है। बाप कहेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन माँ कहेंगे तो मुंह खुल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके सामने में हमारा मुंह खुलता हो और वो हमको सब चीज से तृप्त करके इस संसार को देखने का मौका देता हो, वही माँ कहलाती। माँ के सामने बच्चा रोएगा तुरंत दूध पिलाएगी। माँ के सामने बच्चा अपनी सारी मनोभाव को रख देता है, जो भी जरूरत होता है माँ से मांग लेता है, लेकिन बाप के सामने चुप हो जाएगा। बाप को आते ही देखते देखेगा, कहेगा पिताजी आ रहे हैं, चुप हो जाओ, कुछ बोल मत बोलो, लेकिन माँ से जगर करके भी 150 रुपया ले लेंगे खर्चा करने के लिए। ये माँ ममतामयी होती है। आज हम लोग माँ के दरबार में उपस्थित हैं और अपनी अपनी श्रद्धा प्रेम और विश्वास यही इसी से माँ की कृपा मिलती है। आइए, वैसे तो मैं उतना बड़ा विद्वान कोई कलाकार उतना नहीं, आप लोगों को सारी मन में जो फरमाइश हो उसे पूर्ण कर सकूं, लेकिन माता की कृपा गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद से जो कुछ बन पड़ेगा आप आपको सेवा करूंगा और त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, माता भगवती की जय, माता विषहर की जय, कीर्तन स्थान की जय, आज के आनंद की जय। हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी भी कार्य को शुभारंभ करते हैं तो यही ममता मई माँ ने एक ऐसा पुत्र को जन्म दिया जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आइए उनकी हम चरणों में हाजिरी लगाएं। सफल बनाओ।
कार्य सफल बनाओ। आओ कलनायक राजा अपनी कृपा दर्शाओ, कार्य सफल बनाओ देवा, कार्य सफल बनाओ। जय हो, जय हो। धुंध धुंधला बाबा सुर सुराला, धुंध धुंधला बाबा सुर सुराला, शिव का दुलारा गिरजा मैया का प्यारा, शिव का दुलारा गिरजा मैया का प्यारा। जी हाँ, पार्वती मैया के प्यारे दुलारे गणेश भगवान हैं। एक बार लक्ष्मी मैया ने पूछा कि आपके तो कार्तिक पुत्र हैं, वो सेवा करते होंगे। तो मैया ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो मयूर पे सवार होकर के और वो घूमते फिरता है, घर में थोड़े रहता है जो हमारी सेवा करेगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि एक पुत्र माँ के लिए ऐसा होना चाहिए जो अपनी माँ को सेवा करे। तो मैया पार्वती अपने शरीर का मैल छुड़ाकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठित करके एक सुंदर बालक का निर्माण किया और वही आगे चल के गणेश भगवान के नाम से जाने गए। कहते हैं धुंध धुंधला बाबा सुर सुराला, शिव का दुलारा गिरजा मैया का प्यारा, कांधे जनेऊ सोहे मूस सवारी, कांधे जनेऊ सोहे मूस सवारी, सारे देवों से पहले पूजा तुम्हारी। सारे देवों से पहले गणेश भगवान का पूजन करते हैं। क्यों? सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और सभी देवताओं में श्रेष्ठ क्यों हो गए? इसलिए कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब जप तप करके शक्ति प्राप्त किया, लेकिन गणेश भगवान अपने माता पिता के सेवा करके ये शक्ति प्राप्त किया है। इसलिए आज भी जो कोई प्राणी अपने माता पिता की सेवा करता है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाते हैं। इसलिए कहा गया कि सारे देवों से पहले पूजा तुम्हारी। थाल सजा कर लाए, थाल सजा कर लाए, लड़ुवन की भोग लगाओ, कार्य सफल बनाओ देवा, कार्य सफल बनाओ। आओ गणनायक राजा अपनी कृपा बरसाओ, कार्य सफल बनाओ देवा, कार्य सफल बनाओ। सिद्धि के स्वामी बुद्धि के दाता, चरणों में जग सारा शीश नवाता, चरणों में जग सारा नवाता, रिद्धि सिद्धि के स्वामी बुद्धि के दाता, चरणों में जग सारा शीश नवाता, सुमिरन जो सबसे पहले करते हैं तेरा, सुमिरन जो सबसे पहले करते हैं तेरा, करती है लक्ष्मी वहां आके बसे, जहां
गणेश भगवान का सुमिरन होता है वहाँ माँ लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाती है। और आज इस भजन के माध्यम से हम यही मनाते हैं कि जितने भी अभी दरबार में भक्त जन उपस्थित हैं, उन सभी के घर में माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बरसाते रहे। और इस भजन को सुनने के लिए जितने भी प्रेमी भक्त जन घर से चल पड़े हैं, उनके ऊपर भी मैया लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। लेकिन दरबार से भजन को छोड़कर जो घर चले गए हैं, अपने चारपाई पर सो गए हैं, उनके लिए मैं नहीं गाऊंगा। बोलिए भगवती माता की। रिद्धि सिद्धि के स्वामी बुद्धि के दाता, जग सारा आशीष नवाता, सुमिरन जो सबसे पहले करते हैं तेरा, सुमिरन जो सबसे पहले करते हैं तेरा, करती है लक्ष्मी वहाँ आके बसेरा, जो भी रिझाए उसको, जो भी रिझाए उसको, हृदय में सुख बरसाओ, कारज सफल बनाओ, कारज सफल बनाओ, आओ गंगा एक राजा अपनी कृपा बरसाओ, कारज सफल बनाओ, कारज सफल बनाओ। कारज सफल बनाओ, आओ गंगा एक राजा अपनी कृपा बरसाओ, कारज सफल बनाओ, 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 कारज सफल बनाओ। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।